हेलो वीवर्स, वेलकम टू शानू किटन सी एस ई क्लासेस। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हम ये देखेंगे कि कंप्यूटर फंक्शन कैसे करता है, कितने टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं कंप्यूटर में, कौन कौन से फंक्शन यूनिट्स आपस में कैसे कनेक्टेड होते हैं, और एक इंस्ट्रक्शन अगर एग्जीक्यूट होता है तो वो किस प्रोसेस से होकर गुजरता है और कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लें। सो अगर हम देखें एक बेसिक फंक्शन कंप्यूटर का कि वो क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्यूटर गवर्न होते हैं इंस्ट्रक्शन से। हम जो इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर्स को देते हैं वो वैसा ही परफॉर्म करते हैं, वही ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। विदाउट एनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर कुछ भी परफॉर्म नहीं करता। तो अगर कोई भी टास्क परफॉर्म करना है तो हम जनरली क्या करते हैं, एक प्रोग्राम लिखते हैं। ओके, इस प्रोग्राम में हम डिफरेंट क्या लिखते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एंड देन ये प्रोग्राम सबसे पहले आके लोड होता है कहाँ पे, मेमोरी में। सो मेन मेमोरी में जैसे ये प्रोग्राम आके लोड होता है, देन इस प्रोग्राम के अंदर के जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारे इंस्ट्रक्शंस को सीपीयू वन बाय वन एग्जीक्यूट करता है। दिस इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर। सो एक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने के बाद द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एंड सो ऑन। सो टू परफॉर्म अ गिवन टास्क, एन अप्रोप्रिएट प्रोग्राम consisting of list of instructions is stored in the memory. So जिस program को execute करना है वो memory में आके store होगा, and individual instructions are brought from memory to the processor which executes specified operations. And जो data जिस पर इसे instruction perform करना है, like अगर c equals to a plus b perform करना है, ठीक है, like a plus b perform करना है, then ये a and b ये data भी यहीं store होने चाहिए। सो प्रोग्राम्स के साथ यहाँ डेटा भी मेमोरी में ही होने चाहिए। इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा बोथ शुड बी स्टोर्ड इनटू द मेमोरी। ओके, सो अब अगर हम बात करते हैं टिपिकल इंस्ट्रक्शन की, एक टिपिकल इंस्ट्रक्शन कैसा होता है इन टर्म्स ऑफ असेंबली लैंग्वेज अगर देखें, तो असेंबली लैंग्वेज में सपोज एक इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है, एड आर जीरो लॉक ए। लॉक ए इज़ नथिंग, इट्स जस्ट अ मेमोरी लोकेशन। सो लोकेशन ए मेमोरी को रेफर कर रहा है, एंड रजिस्टर्स जो कि प्रोसेसर में ही रहते हैं, इन दोनों की वैल्यू को हमें ऐड करना है और रिजल्ट भी स्टोर करना है आर जीरो में। सो इसे अगर हम इसका इक्विवेलेंट आरटीएल लिखें, आरटीएल इन द सेंस रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन। सो किसी भी असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन को अगर आप लिखते हैं, आगे जैसे हम पढ़ेंगे अगर इंस्ट्रक्शन टाइप्स, इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट्स और उसके न्यूमेरिकल्स, सो आपको सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना रहता है रजिस्टर ट्रांसफर नोटेशन में। सो इससे हमें पता चलता है कि एक्चुअली परफॉर्म क्या कर रहा है। इस इंस्ट्रक्शन में हम ये देख रहे हैं कि यहाँ से इंस्ट्रक्शन में लोकेशन ए की वैल्यू, मींस मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू हम ऐड करेंगे रजिस्टर की वैल्यू में, एंड देन उसे स्टोर करेंगे आर जीरो में। सो हमारे लिए ये हमारा सोर्स है, एंड इस तरफ हमारा डेस्टिनेशन हुआ। तो आर जीरो एज अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन दोनों वर्क कर रहा है। सो इस इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने के लिए ये कैसे होगा, सबसे पहले ये जो ऑपरेंड है इसे हम ऑपरेंड्स कहते हैं, इन दोनों ऑपरेंड्स को हमें अवेलेबल करना होगा। अब बिकॉज आर जीरो तो प्रोसेसर में ही होता है, सो उससे पहले मेमोरी से हमें इस ऑपरेंड को फेच करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, दिस ऑपरेंड विल बी फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, मेमोरी में से फेच होगा ये ऑपरेंड। देन ऑपरेंड जो कि आर जीरो में स्टोर है उसे हम प्रोसेसर से लेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, और दोनों के सम को वापस किस में स्टोर करेंगे, आर जीरो में। तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आर जीरो की वैल्यू ओवरराइट हो जाएगी, ठीक है, जो प्रीवियस वैल्यू थी वो ओवरराइट हो जाएगी रिजल्ट वैल्यू से, बट यहाँ मेमोरी लोकेशन की वैल्यू एज इट इज प्रिजर्व रहेगी। सो दिस इज़ अ स्टेप हाउ दिस इंस्ट्रक्शन परफॉर्म्स एक्चुअली। तो इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन इज फेच्ड फ्रॉम द मेमोरी, लाइक ये पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन सबसे पहले फेच होगा बिकॉज ये मेमोरी में स्टोर रहता है। मेमोरी में से इसे हम फेच करेंगे, ठीक है, फेच फ्रॉम द मेमोरी इन टू द प्रोसेसर, ये प्रोसेसर में आएगा। देन प्रोसेसर ने देखा बिकॉज यहाँ एक ऐसा ऑपरेंड है जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है, ठीक है, लोकेशन ए मेमोरी का एक लोकेशन है, तो इस ऑपरेंड को अब हमें सेकेंड स्टेप में फेच करना पड़ेगा मेमोरी से, देन ये ऐड होगा आर जीरो के कॉन्टेंट से, देन द रिजल्टिंग सम होगा दैट विल बी स्टोर्ड इन टू द रजिस्टर आर जीरो। सो इस इंस्ट्रक्शन में हम देख रहे हैं ये दो तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा है, कंबाइन कर रहा है, लाइक एक यहाँ पे मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन है जहाँ पे हम मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं, एंड दूसरा ए एल यू ऑपरेशन है बिकॉज एडिशन ए एल यू में ही होगा और आर जीरो भी प्रोसेसर में ही होता है, तो ये भी ए एल यू हैंडल करता है। अब इस टिपिकल इंस्ट्रक्शन को अगर हमें दूसरे अल्टरनेटिव मेथड में लिखना हो जिससे इसका परफॉर्मेंस हम इम्प्रूव कर सकें, सो उसके लिए अल्टरनेटिव मेथड ये है कि हम
सेपरेट कर दे मेमोरी एक्सेस ऑपरेशन को और ALU ऑपरेशन को, मीन्स दोनों पैरेलली अलग अलग यूनिट परफॉर्म करें. सो मॉडर्न कंप्यूटर्स में क्या होता है, जनरली सेम ये जो टास्क है हमने अभी ऊपर जो परफॉर्म किया, इसे हम दो सेपरेट इंस्ट्रक्शंस में परफॉर्म कर सकते हैं. तो पहले हम क्या करेंगे, लोड करेंगे लोकेशन ए की वैल्यू को R1 में. ठीक है, मेमोरी लोकेशन ए की वैल्यू को हम लोड करेंगे R1 में, मीन्स पहला वाला ऑपरेंड आ गया रजिस्टर में. अब क्या होगा, रजिस्टर R0 एंड R1, एक ऑपरेंड R0 में है और दूसरा ऑपरेंड हमने R1 में ले आया. इन दोनों को ऐड करके हम अगेन रिजल्ट को R0 में स्टोर करेंगे. सो सेकेंड इंस्ट्रक्शन लिखेंगे ऐड R0 R1. सो किसी बुक में लोकेशन ए पहले लिखा है, R1 बाद में लिखा है, R1 पहले लिखा है, R0 बाद में लिखा है, वैसे ही इस इंस्ट्रक्शन में लोकेशन ए पहले लिखा है, R0 बाद में लिखा है. तो ये बुक टू बुक वैरी करता है, बिकॉज हर प्रोसेसर का अपना असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन होता है, लिखने का तरीका होता है. तो कोई इस तरफ डेस्टिनेशन लेता है, कोई इधर सोर्स लेता है, कोई इधर सोर्स लेता है, कोई इधर डेस्टिनेशन लेता है. तो हम जिस कन्वेंशन को फॉलो करेंगे उसमें हमारा फर्स्ट डेस्टिनेशन आएगा एंड बाद में सोर्सेज आएंगे. सो इस तरह के इटरेटिव मेथड से बेनिफिट ये होगा कि हमने इस जॉब को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया और मल्टीपल हार्डवेयर्स को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं पैरेलली. ठीक है, जिससे सिस्टम क्या होगा, यूटिलाइजेशन भी बेटर होगा सिस्टम का, और ऐसे कोई इंस्ट्रक्शंस हो जो पैरेलली परफॉर्म हो सकते होंगे उसे हम पैरेलली भी परफॉर्म कर सकते हैं. सो नेक्स्ट अब आते हैं हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दिस इज अ प्रोसेसर ब्लॉक डायग्राम. प्रोसेसर कैसा होता है इंटरनली, ठीक है, ये प्रोसेसर का पिक्चर है एंड हम ये देखेंगे कैसे प्रोसेसर और मेमोरी आपस में कनेक्टेड रहते हैं. सो प्रोसेसर क्या क्या कंटेन करता है, प्रोसेसर कंटेन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट ALU, कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड रजिस्टर्स. सो कंट्रोल यूनिट के बाद आता है रजिस्टर्स. सो रजिस्टर्स एक तरह के टेम्प्रेरी एंड वेरी फास्ट स्टोरेज लोकेशंस होते हैं प्रोसेसर में, जिसको हम टेम्प्रेरी डेटा को स्टोर करने के लिए, लाइक ऑपरेंड्स को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं. एंड कुछ स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स भी होते हैं जिनका स्पेशल फंक्शन होता है, जैसे कि PC प्रोग्राम काउंटर, IR इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, MAR मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर एंड ये R0, R1 से लेके RN-1, ये सारे N नंबर ऑफ जनरल पर्पस रजिस्टर्स होते हैं जो कि जनरल पर्पस वर्क लाइक एडिशन सब्स्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है. तो वो जो ऑपरेंड स्टोर होते हैं वो कहाँ के स्टोर होते हैं, इन रजिस्टर्स में, जैसे कि अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा R0 R1. ठीक है, सो ये सारे हम देख रहे हैं, ये इंटरनल स्ट्रक्चर हो गया प्रोसेसर का. और अब ये प्रोसेसर मेमोरी से कैसे कनेक्टेड होती है, ये जो कनेक्शंस दिख रहे हैं, दिस इज अ एड्रेस बस, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से जाता है मेमोरी में एड्रेस बस एंड दिस इज डेटा बस जो कि MDR से कनेक्टेड होता है एंड दिस इज कंट्रोल बस. सो अब बसेस क्या होती हैं जिसके थ्रू हम डेटा ट्रांसफ़र करते हैं बिटवीन डिफरेंट फंक्शनल यूनिट्स. आपस में कनेक्ट करने के लिए सभी फंक्शनल यूनिट्स को हम कुछ मीडियम चाहिए हमें, वो मीडियम क्या है, कंप्यूटर बसेस. नाउ कंप्यूटर बसेस को भी हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, बिकॉज तीन अलग अलग तरीके की उसमें लाइन्स होती हैं जिसमें अलग अलग तरह का इंफॉर्मेशन कैरी होता है. लाइक जिस लाइन्स में एड्रेसेस कैरी होती है उन्हें कहते हैं एड्रेस बस, जिसमें डेटा कैरी होता है उसे कहते हैं डेटा बस एंड जिसमें से कंट्रोल सिग्नल्स जाते हैं उसे कहते हैं कंट्रोल बस. नाउ डिफरेंट रजिस्टर्स हमने देखे जो कि अलग अलग तरीके के ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हमें रिक्वायर रहते हैं, जिसमें से हम देखेंगे IR. IR इज़ अ इंस्ट्रक्शन रजिस्टर. इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या करता है, इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन करेंटली बींग एग्जीक्यूटेड. जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है प्रोसेसर वो इंस्ट्रक्शन कहाँ स्टोर होगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में. ओके, और ये जनरली इसके जो कंटेंट्स होते हैं ये अवेलेबल होते हैं कंट्रोल यूनिट से, कंट्रोल यूनिट को अवेलेबल होते हैं, सो दैट वो स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन के लिए टाइमिंग सिग्नल्स को जनरेट कर सके कि ये इंस्ट्रक्शन कब परफॉर्म होगा. सो कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि कौन सा इंस्ट्रक्शन कब परफॉर्म होगा. कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करना. डिकोड करना इन द सेंस उस इंस्ट्रक्शन की मीनिंग क्या है. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम काउंटर PC. बेसिकली ये इंस्ट्रक्शंस को, प्रोग्राम्स को कीप ट्रैक रखता है. इट मींस कौन सा इंस्ट्रक्शन सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा, देन उसके बाद कौन सा एग्जीक्यूट होगा. ओके, सो जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होना है उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कहाँ स्टोर होना चाहिए, PC में. जिस एड्रेस, जो एड्रेस PC में स्टोर है वही इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगा. इनिशियली हम PC की वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं प्रोग्राम के सबसे फर्स्ट एड्रेस से, देन वन बाई वन वो हर लेवल में इंक्रीमेंट होता जाता है सो दैट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फिर एग्जीक्यूट हो. दूसरे रजिस्टर्स इन लाइक N जनरल पर्पस रजिस्टर, जिसे हम GPRs भी कहते हैं शॉर्ट में,
अगर आपको कहीं GPRs लिखा हुआ है, इट मींस वो जनरल पर्पस रजिस्टर्स है, जो भी ऑपरेंड्स हैं जो यूज़ होते हैं ऑपरेशंस में, उसे स्टोर करने के लिए इन रजिस्टर्स का यूज़ करते हैं। दो रजिस्टर्स ऐसे हैं MAR एंड MDR, ये जनरली डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन मेमोरी एंड द प्रोसेसर, इसको हैंडल करने के लिए यूज़ होते हैं। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR, जिसमें एड्रेस स्टोर होता है, जिस एड्रेस को हमें एक्सेस करना है मेमोरी से, जो एड्रेस हमें रीड करना है या उस एड्रेस पे हमें राइट करना है, वो एड्रेस कहाँ स्टोर होगा? MAR में। और ये एड्रेस बस से होते हुए जाता है मेमोरी में। जो डेटा हमें मेमोरी में स्टोर करना है या हमने मेमोरी में से जो डेटा एक्सेस किया है वो लाके अगर हमने स्टोर किया प्रोसेसर में, तो वो कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ओके, एंड जो कंट्रोल सिग्नल्स जनरेट होते हैं लाइक रीड राइट, मेमोरी रीड मेमोरी राइट, आईओ रीड आईओ राइट, ये सब कंट्रोल बस के थ्रू जाते हैं, एंड किस टाइम पे होना ये सब भी कंट्रोल बस के थ्रू जाते हैं। ओके, अब हम देखते हैं लाइक अभी हमने डिस्कस किया कितने टाइप्स के रजिस्टर्स होते हैं। सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या होल्ड करता है? इट होल्ड्स द इंस्ट्रक्शन दैट इज करेंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, एंड इसके सारे कंटेंट्स अवेलेबल होते हैं, इट्स कंटेंट्स इज अवेलेबल फॉर कंट्रोल सर्किटरी विच जनरेट्स टाइमिंग सिग्नल्स दैट कंट्रोल द वेरियस प्रोसेसिंग एलिमेंट्स इन वन एग्जीक्यूशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। दूसरा इंपॉर्टेंट रजिस्टर है प्रोग्राम काउंटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसका गेट में या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में या वाइवा में या नेट में काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इससे। ये एक तरह का स्पेशलाइज्ड रजिस्टर है दैट कीप्स ट्रैक ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, एक प्रोग्राम प्रॉपरली वन बाय वन उसके सारे इंस्ट्रक्शंस कैसे एग्जीक्यूट होंगे, इसको कौन ध्यान रखता है? प्रोग्राम काउंटर। इट कंटेन्स मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड एंड एग्जीक्यूटेड, जो भी इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट एग्जीक्यूट होने वाला है उसका एड्रेस प्रोग्राम काउंटर में रहता है। एंड देर आर एन नंबर ऑफ जनरल पर्पज रजिस्टर्स। ओके, दे आर यूज टू स्टोर ऑपरेंस, जो भी ऑपरेंस है वो यहाँ स्टोर होते हैं, लाइक ए प्लस बी अगर आपको परफॉर्म करना है तो ए प्लस बी कहाँ स्टोर होगा? एन जनरल पर्पज रजिस्टर्स में। इनके अलावा जैसे कि मैंने डिस्कस किया, देर आर टू अदर रजिस्टर्स MAR एंड MDR दैट आर यूज फॉर हैंडलिंग डेटा ट्रांसफर और कम्युनिकेशन बिटवीन मेमोरी एंड प्रोसेसर। मेमोरी एंड प्रोसेसर कम्युनिकेट करने के लिए दो रजिस्टर्स की नीड होती है। MAR नाम से क्लियर है, ये मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है, इट होल्ड्स एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन टू बी एक्सेस्ड, जिस लोकेशन को हमें एक्सेस करना है उस लोकेशन का एड्रेस को ये होल्ड करके रखता है, वेदर फॉर द पर्पस ऑफ रीडिंग और फॉर द पर्पस ऑफ राइटिंग। दूसरा रजिस्टर है MDR, मेमोरी डेटा रजिस्टर, ये क्या कंटेन करता है? इट कंटेन्स द डेटा, डेटा रिटन इन टू और रीड आउट ऑफ द एड्रेस्ड मेमोरी लोकेशन, जो भी एड्रेस हमने यहाँ रखा हुआ है उस एड्रेस से हमें जो डेटा रीड करना है या राइट करना है वो डेटा कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म कैसे होता है? नाउ अब हम देखेंगे टिपिकल ऑपरेटिंग स्टेप्स या इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन स्टेप्स कि एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है। सो सबसे पहले इनिशियली प्रोग्राम कहाँ रीसाइड होता है, कहाँ स्टोर होता है? मेमोरी में। और मेमोरी में कैसे आते हैं? इनपुट यूनिट के थ्रू हम मेमोरी में उसे सेव करते हैं। मेमोरी में आने के बाद अब अगर हमें उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है, ठीक है, तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होता है? प्रोग्राम कंटेन्स वी नो लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इन लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस में इस प्रोग्राम का जो भी इनिशियल एड्रेस होगा, सबसे फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस, वो कहाँ स्टोर होना चाहिए? PC में। ओके, सो PC इज सेट टू द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोग्राम। अब PC अब हमारा फर्स्ट इंस्ट्रक्शन से सेट हो गया, अब इस PC की वैल्यू को अब हम कहाँ भेजेंगे? MAR में, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में। मींस इस एड्रेस को हम डालेंगे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में और इस एड्रेस बस से होते हुए ट्रांसफर होगा मेमोरी के पास। जैसे ही रीड सिग्नल इनिशिएट होगा, पर्टिकुलर एड्रेस पे जो भी इंस्ट्रक्शन है वो रीड आउट होगा, और रीड आउट होके वो इंस्ट्रक्शन इस डेटा बस से होते हुए कहाँ आएगा? मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ओके, सो दिस इज एड्रेस बस, दिस इज डेटा बस, दिस इज कंट्रोल बस। सो ये एड्रेस रजिस्टर एड्रेस बस से होते हुए जाएगा मेमोरी लोकेशन में, एंड कंट्रोल सिग्नल उसे सिग्नल भेजेगा रीड, कंट्रोल सिग्नल जाएगा एंड वो एड्रेस्ड वर्ड और वी कैन से जो इंस्ट्रक्शन है वो फेच होगा और वो क्या होगा? रीड आउट होगा फ्रॉम मेमोरी एंड लोड हो जाएगा मेमोरी डेटा रजिस्टर में। ओके, अब हमारे पास इंस्ट्रक्शन आ गया है मेमोरी डेटा रजिस्टर में। इंस्ट्रक्शन यहाँ आने के बाद अब हमें इस कंटेंट को कहाँ भेजना है? MDR से हमें भेजना है IR में। ओके,
सो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ये जो इंस्ट्रक्शन है जिसे हमें एग्जीक्यूट करना है वो IR में आ जाएगा. नाउ इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डीकोड कौन करेगा? कंट्रोल यूनिट इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को डीकोड करेगा, मींस पता लगाएगा कि ये कौन सा इंस्ट्रक्शन है, ये एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा इंस्ट्रक्शन है, जिसके थ्रू ये अंडरस्टैंड करता है व्हाट ऑपरेशन इज टू बी परफॉर्म्ड. नाउ अब जो भी ऑपरेशन है जो डिटेक्ट हुआ, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, अगर इंस्ट्रक्शन में ALU ऑपरेशन है, सो ALU इंस्ट्रक्शन कैसे परफॉर्म करेगा? सबसे पहले ये डिटेक्ट होगा कि कौन कौन से ऑपरेंड्स लगेंगे. ओके, इफ द इंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व्स ALU ऑपरेशन, इट ऑब्टेन्स रिक्वायर्ड ऑपरेंड्स. लाइक अगर C इक्वल्स टू A प्लस B हमें परफॉर्म करना है, सो उसके लिए हमें ऑपरेंड्स लगेंगे. ये ऑपरेंड्स हमें पहले चाहिए. अगर ये ऑपरेंड्स रजिस्टर में स्टोर है तो ALU डायरेक्टली ले लेगा. अगर ये ऑपरेंड्स मेमोरी में स्टोर है तो अब सेम प्रोसेस जो हमने इंस्ट्रक्शन के लिए किया वही प्रोसेस करना पड़ेगा, उस ऑपरेंड को भी फेच करना पड़ेगा. सो इफ ऑपरेंड इज इन द जनरल पर्पस रजिस्टर GPR, इट इज़ ट्रांसफर टू द ALU फॉर द ऑपरेशन. बट अगर ऑपरेंड कहाँ है? मेमोरी में. इफ द ऑपरेंड इज इन द मेमोरी, इट इज़ फेच्ड बाय सेंडिंग एड्रेस टू MAR. अब सेम ऑपरेंड के लिए भी हम वही करेंगे, उस ऑपरेंड का एड्रेस, जो भी एड्रेस है उस ऑपरेंड का हम डालेंगे MAR में, और ये एड्रेस बस से होते हुए जाएगा मेमोरी के पास. जैसे ही रीड सिग्नल मिलेगा वो रीड होगा ऑपरेंड वहाँ से, और देन वो लोड हो जाएगा उस एड्रेस पे, जो भी डेटा होगा वो लोड हो जाएगा MDR में. ओके, व्हेन ऑपरेंड हैज़ बीन रीड फ्रॉम द मेमोरी इनटू MDR, जैसे ही MDR में आया इट इज़ ट्रांसफर टू द ALU फॉर द ऑपरेशन. जब सारे ऑपरेंड्स अवेलेबल हो जाएंगे, वेदर जनरल पर्पज़ रजिस्टर से या मेमोरी से, देन ALU परफॉर्म करेगा ऑपरेशन को, और वी कैन से एग्जीक्यूट करेगा इंस्ट्रक्शन को. नाउ एग्जीक्यूट होने के बाद जो रिजल्ट्स होंगे, जो भी रिजल्ट्स होंगे वो वापस हमें स्टोर करने हैं. अब वो डिपेंड करता है इंस्ट्रक्शन पे, एक वो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में स्टोर कर रहा है या मेमोरी में स्टोर कर रहा है. रजिस्टर्स में अगर स्टोर करना है देन वो डायरेक्टली स्टोर कर देगा. अब अगर मेमोरी में स्टोर करना है तो सेम वही प्रोसेस अप्लाई होगा. इस प्रोसेस में हमें क्या करना पड़ेगा? जिस एड्रेस पे हमें रिजल्ट को स्टोर करना है वो एड्रेस कहाँ आएगा? MAR में. और जो डेटा, जो रिज़ल्ट हमें स्टोर करना है वो कहाँ हम स्टोर करेंगे? MDR में. ओके, एंड राइट सिग्नल इनिशिएट करेंगे, मींस इस एड्रेस पे हमें इस डेटा को, इस रिज़ल्ट को स्टोर करना है मेमोरी में. सो रिज़ल्ट ऑफ दिस ऑपरेशन इज स्टोर्ड इनटू द मेमोरी. तो रिज़ल्ट सबसे पहले कहाँ जाएगा? सेंड टू MDR. रिज़ल्ट को हम सबसे पहले MDR में डालेंगे, एंड जो उसका एड्रेस है वो कहाँ डालेंगे? MAR में. एंड राइट सिग्नल इनिशिएट करेंगे, और जस्ट इसके बाद हम PC की वैल्यू को भी इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है, प्लस वन कर देंगे, सो दैट जो भी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है प्रोग्राम का वो वाला एग्जीक्यूट होगा, सो दैट PC पॉइंट्स टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड. अब इसके अलावा नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन होता है ये इट मे बी प्रीएम्प्टेड बाय द इंटरप्ट्स, ठीक है, मींस इसके बीच अगर कोई इंटरप्ट आता है देन अलग प्रोसेस फॉलो होगा. अब ये इंटरप्ट्स होते क्या हैं? इंटरप्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके लिए अलग से मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, चाहे तो उसे रेफर कर सकते हैं, मैं लिंक ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी. नॉर्मल एग्जीक्यूशन जो होता है प्रोग्राम का उसे प्रीएम्प्ट किया जा सकता है, मींस कोई भी हार्डवेयर डिवाइस या कोई भी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम अगर उसे अर्जेंट सर्विस रिक्वायर्ड है, अर्जेंट अटेंशन रिक्वायर्ड है CPU से, देन वो क्या जनरेट करता है? इंटरप्ट जनरेट करता है. सो वी कैन से नॉर्मल एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम्स मे बी प्रीएम्प्टेड. प्रीएम्प्टेड मीन्स इंटरप्टेड इफ़ सम डिवाइस रिक्वायर अर्जेंट सर्विसिंग, ठीक है, अर्जेंट सर्विसिंग अगर से रिक्वायर्ड है तो इसके लिए वो क्या करेगा? इट रेजेज एन इंटरप्ट सिग्नल. सो ये इंटरप्ट सिग्नल जनरेट करता है. सो अब अगर हमें डिफाइन करना हो इंटरप्ट को तो ये क्या होता है? इंटरप्ट इज अ हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट सिग्नल. ये सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी का रिक्वेस्ट सिग्नल होता है. अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो CPU को जो भी वो टास्क कर रहा है उसे वहीं पे सस्पेंड करके इंटरप्ट को सर्विस देनी होती है, मींस इमीडिएटली इंटरप्ट का जो भी उस रिलेटेड रूटीन्स हैं उसे एग्जीक्यूट करनी रहती है. ओके, उसे कंप्लीट होने के बाद वापस फिर वहीं से जहाँ से उसने सस्पेंड किया था उस प्रोग्राम को, प्रीवियस प्रोग्राम को, उसे वो रिज्यूम करता है. सो इंटरप्ट इज अ हाई प्रायोरिटी रिक्वेस्ट सिग्नल जनरेटेड फ्रॉम एन IO डिवाइस और अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. इसे जनरेट कौन करता है? या तो IO डिवाइस लाइक हार्डवेयर डिवाइसेस और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फॉर इमीडिएट सर्विस बाय द प्रोसेसर. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप डेफिनेशन हमेशा याद रखें. ये वाइवा में, गेट में, नेट में, हर जगह ये काफ़ी काम आता है, पूछता है. अगर एग्जाम्पल के लिए लिए, जैसे कि अगर हम प्रिंटर जब प्रिंट करते हैं प्रिंटर से पेपर में, सो अगर पेपर्स उसमें नहीं हैं,
देन एक इंटरप्ट सिग्नल जनरेट होता है प्रिंट आउट ऑफ पेपर. तो इसे इमीडिएट सर्विस, इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है प्रोसेसर का. पावर फेलियर होता है तो इमीडिएटली प्रोसेसर को जो भी प्रोसेसिंग है वो करनी होती है. ठीक है, डिवाइड बाई जीरो एक सॉफ्टवेयर इंटरप्ट है जो कि इंटरनली जनरेट होता है. आईओ डिवाइसेस अगर डेटा ट्रांसफर के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, रिक्वेस्टिंग फॉर डेटा ट्रांसफर, तो इमीडिएटली अटेंशन चाहिए है. सो ये कुछ इंटरप्ट्स हैं, इसका डिटेल वीडियो मैंने बनाया हुआ है, ऊपर आपको मैं लिंक दे दूंगी. अब अगर इंटरप्ट जनरेट होता है तो इसे हैंडल कैसे करते हैं. इंटरप्ट जैसे ही जनरेट होता है, जो भी करेंटली एग्जीक्यूशन प्रोग्राम है, लाइक आप नॉर्मल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, अब यहाँ पे इंटरप्ट जनरेट हुआ. सो इंटरप्ट जैसे जनरेट होगा तो सीपीयू नॉर्मल एग्जीक्यूशन को छोड़ के इसकी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को एग्जीक्यूट करेगा. हर इंटरप्ट की इंटरप्ट सर्विस रूटीन होती है जिसमें लिखा होता है कि इस इंटरप्ट के एग्जीक्यूट होने पर क्या करना है. बट उसका जो प्रीवियस स्टेट है प्रोग्राम का, इसे हमें सेव करना पड़ता है. प्रीवियस स्टेट में क्या किया जाता है, जैसे इस प्रोग्राम से रिलेटेड प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी जो कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को पॉइंट करता है, रजिस्टर्स की वैल्यू होगी, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होंगे. सो इन सभी चीज़ों को हमें सेव करना रहता है. और जैसे ही इंटरप्ट सर्विस रूटीन कंप्लीट हो जाती है, वापस प्रोग्राम जहाँ से सस्पेंड हुआ था वहीं से रिज्यूम होता है और ये सारी चीज़ें वापस रीस्टोर हो जाती है. सो प्रोसेसर क्या करता है, इंटरप्ट हैंडलिंग कैसे करता है. द प्रोसेसर प्रोवाइड्स रिक्वेस्टेड सर्विस. जैसे इंटरप्ट जनरेट हुआ तो प्रोसेसर इसे सर्विस प्रोवाइड करेगा. द प्रोसेसर प्रोवाइड्स रिक्वेस्टेड सर्विस बाय एग्जीक्यूटिंग एन अप्रोप्रिएट इंटरप्ट सर्विस रूटीन. ये एग्जीक्यूट होने के पहले जो प्रोसेसर है वो प्रीवियस स्टेट को सेव करेगा. ओके, द स्टेट ऑफ द प्रोसेसर, स्टेट ऑफ द प्रोसेसर में क्या किया जाता है, लाइक कंटेंट ऑफ पीसी, जनरल पर्पस रजिस्टर्स, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, लाइक डिफरेंट स्टेटस एंड फ्लैग्स रजिस्टर्स होते हैं उनकी वैल्यूज़ और सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, ये सभी को हमें सेव करना है. और ये सेव होती है मेमोरी लोकेशन में बिफोर सर्विसिंग द इंटरप्ट. ओके, जैसे ही इंटरप्ट रूटीन एग्जीक्यूट हो जाती है, उसे वापस हम क्या कर देते हैं, ये कंप्लीट होने के बाद, व्हेन द इंटरप्ट सर्विस रूटीन इज कंप्लीटेड, द स्टेट ऑफ द प्रोसेसर इज रीस्टोर्ड सो दैट द इंटरप्टेड प्रोग्राम मे कंटिन्यू. तो दिस इज व्हाट इज इंटरप्ट और उसे कैसे हम हैंडल करते हैं. सो लास्टली अगर हम समरी देखें तो एक इंस्ट्रक्शन कैसे एग्जीक्यूट होता है, या एक इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन साइकिल कैसी होती है, या एक इंस्ट्रक्शन साइकिल कैसी होती है. सबसे पहले इंस्ट्रक्शन फेच होता है मेमोरी में से, देन वो डिकोड होता है, कंट्रोल यूनिट डिकोड करता है. देन अगर उसमें कोई ऑपरेंड्स हैं तो उसे वो फेच करता है जो भी मेमोरी में स्टोर है. ये वाला ऑप्शनल होता है, अगर मेमोरी में ऑपरेंड्स हैं तभी उसे करता है, अगर नहीं है तो डायरेक्टली एग्जीक्यूट करता है. एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट स्टोर होते हैं मेमोरी में, एंड देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होता है. एंड देन नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए सेम यही स्टेप्स, यही साइकिल फॉलो होती है. सो दिस इज़ अबाउट द बेसिक ऑपरेशनल कॉन्सेप्ट्स. सो थैंक यू सो मच. चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस कर लें, एंड न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें एंड ऑल ज़रूर प्रेस कर लें.